और ये एक और CH2 ले लिया और यहाँ पे OH हो गया। तो कितने लगे हमें एक और दूसरे बोलेंगे डायमर। क्या बोलेंगे डायमर? ट्राई मतलब उसमें तीन लगे हो, तीन OH लगे होंगे कम से कम तीन, ठीक है कम से कम तीन लगे होते हैं ट्राई में। तो ये हो जाएगा जैसे आपका CH और ये H+ जो कि एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है ये, ठीक है। रिएक्शन कैसे करेगा? ये अटैक नहीं करेगा, ये बस क्या करेगा, इसका काम क्या है, इसको इससे जल्दी जल्दी अटैक करना, जल्दी जल्दी इसका अटैक करवाए। ये आपका प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? प्राथमिक अल्कोहल। अगर आप दो या दो से ज्यादा कार्बन की एल्डिहाइड को ग्रेनाइट से रिएक्ट कराते हैं और उसके बाद उसका गलीकरण करते हैं तो उसका जो उत्पाद बनेगा वो ड्यूटी अल्कोहल बनेगा। फिर अगर आप 3 डिग्री का अल्कोहल हुआ, 3 डिग्री का, तो उसमें ना कार्बोक्सिल बनाएगा या क्यूटोन बनाएगा, उसमें सीधा निर्जलीकरण हो जाएगा और उसमें वाटर निकल जाता है, पानी निकल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका CH3CHOH। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल का पूरा कंटेंट, सारी की सारी चीजें। जैसे आज हम इस लेक्चर के अंदर पार्ट वन के अंदर पढ़ेंगे अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल के नाम किस किस तरीके से किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहल के कि अल्कोहल को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं किस किस तरीके से होती हैं, जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने से प्यारे से चैनल योद्धा अकेडमी पे, जिस पे आपको मिलती हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, इंग्लिश की, हर तरीके के लेक्चर्स आपको मिलते हैं। और प्लीज आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन से योद्धा अकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए बेटा, जिसपे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चल रहा है, तो जाके बेटा जी एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, पहले मैं आपको कुछ अल्कोहल फिनॉल ईथर के नाम बताता हूं, उनके डायग्राम बनाता हूं जिसके ये नाम है, ठीक है। ये पहले लिखा हुआ है प्रोपेन वनॉल, प्रोपेन वनॉल किस तरीके से होता है, प्रोपेन वनॉल ध्यान से देख लीजिए, प्रोपेन वनॉल, प्रोपेन वनॉल, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन है, ठीक है, और ऑल मतलब होता है कि OH लगा है, वन ऑल मतलब पहले कार्बन पे OH लगा है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये होगा CH3 CH2 CH2 और OH, ये है आपका प्रोपेन वनॉल, तीन कार्बन है और ये पहले कार्बन पे आपका OH लगा हुआ है। तीन मतलब प्रोपेन और वन मतलब पहली पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑल मतलब ये OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है बेटा, ओके। फिर है आपका प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल क्या होता है कि पेरेंट चेन, तीन कार्बन की लंबी चेन है जिसमें OH जो है वह दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये हो गया CH3 CH CH3 और ये हो गया आपका OH, ठीक है, ये आपका हो गया OH। ऐसे ही आपके पास है ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन में कितने, चार कार्बन होते हैं और जो OH लगा हुआ है वो पहले कार्बन पे लगा हुआ है, कहां पे, पहले पे। तो ये हो गया CH3 CH2 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 और ये हो गया OH, ठीक है, ये और ये इसके नाम है बेटा, ये इसका है क्लियर। फिर है आपका ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल मतलब जो ओएल लगा है या OH लगा हुआ है वो आपके सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो कितने कार्बन है, पहले ब्यूटेन बताएगा कि चार कार्बन है और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन है, एन, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहां पे सेकंड लगा देते हैं CH2 और ये हो गया CH3। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सेकंड पे लगा हुआ है, ठीक है, सेकंड पे लगा हुआ है ब्यूटेन टू ऑल, क्लियर है बेटा। तो ये आपके कुछ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ध्यान से आगे वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत बेटा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करके ही जाइएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये इसके नॉमेनक्लेचर। इसी तरीके से आप इथेन वन ऑल बना सकते हैं जिसमें दो कार्बन होते हैं, पेंटेन बना सकते हैं जिसमें पांच कार्बन होते हैं, और OH जिस कार्बन पे लगा होगा उसकी आप जगह बता देंगे, पोजीशन को बता देंगे। जैसे यहां पे लगा हुआ है वन ऑल लगा हुआ है तो वन पे बता दिया, इसमें देखिए फर्स्ट पे लगा हुआ है, इसमें सेकंड में लगा हुआ है तो सेकंड बता दिया। इसी तरीके से तीन पे लगा होगा, चार पे लगा होगा, पांच पे लगा होगा। जैसे मैं एक बताता हूं आपको कि भाई ये है मेरे पास CH3, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका मुझे नाम लिख के बताइएगा बेटा जी इसका, वैसे मैं बता देता हूं लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। पांच कार्बन है, ऐसे ही बता देता हूं, पांच कार्बन है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, और तीसरी जगह पे लगा है आपका OH, मतलब ऑल। तो इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बेटा जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के अंदर, एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के अंदर यहां पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं, मतलब एल्कोहल जो होते हैं वो कितने तरीके के हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है एल्कोहल जो है आपके, एल्कोहल जो है आपका वो आपका है एल्कोहल, मोनो एल्कोहल होता है, डाई एल्कोहल होता है, ट्राई होता है, और अब पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है। मोनो एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल जिसके पूरे कंपाउंड के अंदर एक ही OH लगा होता है, क्या लगा होता है, एक ही OH लगा होता है, क्या लगा होता है बेटा जी, एक ही OH, तो उसे बोलते हैं मोनो। जैसे सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे पास है CH3OH, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा मोनो एल्कोहल में, किसमें, मोनो एल्कोहल में। अब मैं डाई की बात करता हूं, एक कंपाउंड के अंदर दो OH लगे होंगे, दो OH, तो उसे बोलेंगे डाई एल्कोहल, ठीक है, डाई। तो ये हो जाएगा आपका सपोज CH2OH, और ये एक और CH2 ले लिया और यहां पे OH हो गया, तो कितने लगे हैं बेटा जी, एक और दो, तो इसे बोलेंगे डाय वाला, क्या बोलेंगे, डाय वाला। ट्राई मतलब उसमें तीन लगे हो, तीन OH लगे होंगे, कम से कम तीन, ठीक है, कम से कम तीन, और तीन ही लगे होते हैं ट्राई में। तो ये हो जाएगा जैसे आपका CH2OH, CH2CHOH, ये हो जाएगा आपका CH2OH, तो ये हो जाएगा आपका कैसा, ट्राई। और पॉली में तीन से ज्यादा, चार, पांच, छह, दस, सौ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक पॉली वाले के एग्जांपल है, उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का आप लोगों ने पक्का नाम सुना होगा। ग्लूकोज का मैं इसकी संरचना बताता हूं कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर या संरचना होती है, ठीक है। ग्लूकोज का पहले तो फॉर्मूला जो होता है वो C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है, क्या होता है, C6H12O6। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है CH, फिर दो, तीन, चार, पांच, छह, लास्ट में एक OH होता है। उसकी पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही है जो कि आपको बायोमॉलिक्यूल में पढ़ना है, हाई अमाइन चैप्टर के बाद वाला जो टॉपिक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, उसके अंदर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहां पे भी देख लीजिए, और ये अच्छा सा एग्जांपल भी हो जाएगा आपका किसके लिए, पॉली एल्कोहल, पॉली हाइड्रोक्सिस में तीन से ज्यादा OH ग्रुप लगे होते हैं, कितने, तीन से ज्यादा OH ग्रुप लगे होते हैं, क्लियर। तो इसके अंदर यहां OH होता है, यहां H होता है, फिर यहां OH होता है, यहां H होता है, यहां OH होता है, यहां पे OH होता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है बेटा, ओके। मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर कितने OH हुए, तो पहला OH, दूसरा OH, तीन, चार और ये पांच, तो ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सिक एल्कोहल की कैटेगरी का है, ठीक है बेटा। तो मोनो, डाय, ट्राई और पॉली आप लोग समझ गए किस तरीके से होते हैं, क्लियर, नोट करते चलिएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और फिर आपको यहां पे अल्कोहल को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल्स की कैटेगरी में बताया गया है, ठीक है। तो प्राथमिक क्या होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी लिख देता हूं बेटा मैं, ठीक है। प्राथमिक जिसको हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, जिसको हम 2 डिग्री भी बोलते हैं, और फिर जिसको हम 3 डिग्री बोलते हैं। तो प्राइमरी, इसको प्राइमरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, सेकेंडरी और इसको टर्शियरी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी क्या होता है, जिस कार्बन पे OH लगा है, वो कार्बन तो आपको पता है चार ही बॉन्ड बनाता है, जिस कार्बन पे OH लगा है वो एक साइड से ही, तीन में तीन बॉन्ड है ना इसके, बाकी के तीन में से एक साइड उसकी कार्बन की चेन होगी, मतलब CH3 लगा दीजिए, और इसको आप दो कार्बन, ये कार्बन है, 2, 3, 10 कार्बन भी बढ़ा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, और बाकी के जो दो होंगे वो होंगे आपके H। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक अल्कोहल, क्या हो जाएगा बेटा, प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, जिसमें कार्बन, जिस कार्बन पे OH लगा होता है, जिस कार्बन पे OH लगा होता है उसके तीन बॉन्ड है, तीन में से दो साइड कार्बन की चेन होगी, उसे बोलेंगे हम क्या, द्वितीयक, ठीक है, और एक होगा H।
अब ये और ये जो है ये एक कार्बन का ले रखा है, आप एक कार्बन दो कार्बन ले सकते हैं, तीन कार्बन चार कार्बन, मतलब कार्बन को आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी उससे, ठीक है ओके। तृतीय क्या होता है, जिस कार्बन पे OH है वो तीनों साइड से कार्बन की चेन से लगा होता है, आबंध होता है, आबंध मतलब बॉन्ड बना होता है, क्या होता है तीन साइड से आबंध बना के रखता है, बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है बेटा। तो आप प्राइमरी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक को समझ गए, ठीक है बेटा। कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए बेटा, कोई भी परेशानी हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अल्कोहल का विचरण, कि अल्कोहल को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला तो अल्कोहल को बनाया जा सकता है किससे, किससे एल्कीन से, किससे एल्कीन से, देखिए ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, एल्कीन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है एल्कीन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। सपोज मान लेता हूं कि मेरे पास एक एल्कीन है, एल्कीन में क्या है मेरे पास CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसमें डाल देता हूं मैं पानी के साथ H+, ठीक है, और H+ जो होता है वो इसके अंदर होता है ये, इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कैटलिस्ट, क्या है ये उत्प्रेरको, ठीक है कैटलिस्ट होता है। अब पानी ये काम नहीं करेगा, मतलब ये इस पे लगेगा नहीं, अटैक नहीं करेगा, अटैक ये करवाएगा, अटैक अटैक कौन करेगा, वाटर, पानी, पानी के अंदर होता है H+ और OH नेगेटिव, क्या होता है H+ और OH नेगेटिव। तो इस अभिक्रिया के अनुसार या इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आपका नेगेटिव OH वाला नेगेटिव पार्ट होगा वो एल्कीन देखेगा कि किस दो कार्बन के बीच में एल्कीन है, और उस कार्बन पे लग जाएगा जिस कार्बन पे एच कम होंगे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है एल्कीन है, और किस कार्बन पे एच कम है इस पे, तो इस पे लग जाएगा OH और इस पे लग जाएगा एच, और ये डबल बॉन्ड किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर, किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका CH3CHOH नीचे, और ये हो जाएगा आपका CH3, क्या हो जाएगा CH3, क्लियर बेटा। तो ये है आपका प्रोपेन टू ऑल, जिसका मैंने नाम आपको थोड़े दिन पहले बताया था। अब जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर मैंने यही चीज डाल दी, पानी डाल दिया जिसके अंदर OH और H+ है, और ये H+ जो कि एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है ये, ठीक है। रिएक्शन कैसे करेगा, ये अटैक नहीं करेगा, ये बस क्या करेगा, इसका काम क्या है, इसको इस पे जल्दी जल्दी अटैक कराना, जल्दी जल्दी इस पे अटैक करवाएगा, इसका बस यही काम है इसके अंदर, ठीक है H+ का। अब पानी के अंदर क्या होता है, एक H+ होता है एक OH, तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगा, जो डबल बॉन्ड है, जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो जो नेगेटिव है इसका वो उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे, तो किस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, दोनों पे बराबर है, तो कहीं भी OH लगा दीजिए, कहीं भी H लगा दीजिए, मैं यहां पे OH लगा देता हूं, यहां पे H लगा देता हूं, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड या आबंध में बना देता हूं, तो ये बन जाएगा CH3CH2 और ये बन जाएगा OH, ये बन गया आपका इथेन बनॉल, क्या बन गया इथेन बनॉल, क्लियर बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम अगली अभिक्रिया रिएक्शन पे। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये बिल्कुल उससे थोड़ा उल्टा है, ये बिल्कुल थोड़ा उससे उल्टा है, ठीक है। तो किस तरीके से इसकी रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोब्रोमो ऑक्सीकरण के द्वारा हाइड्रो, ठीक है। इसमें जो आपका ये है B2S6 या BS3 कहते हैं इसको, इसकी रिएक्शन जो है वो इस साल में हुई थी, 1989 में हुई थी, और कैसे होती है, बिल्कुल उसके उल्टी है जो अभी हमने पढ़ा है। कैसे, इसमें है क्या कि आपके पास कोई भी एल्कीन है, सपोज यही है, कोई भी एल्कीन है आपके पास, इसका नाम है प्रोपीन, इसके अंदर डाल दिया हमने ये B2S6, BS3 का ट्वाइस, BS3 को दुगना कर दिया तो ये बन जाएगा B2S6, इसके अंदर डाल देते हैं हम H2O2, इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, और OH नेगेटिव के साथ, तो इसमें बिल्कुल रिएक्शन वही होगी, बस थोड़ी सी उल्टी है। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे लगता था, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, यहां पे कहां लगेगा, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में, तो इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो इस पे OH लग जाएगा, इस पे लग जाएगा H, और डबल बॉन्ड किस में, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH2CH2OH, क्लियर है, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन बनॉल, ये बिल्कुल पहले वाले से उल्टा है। इससे पहले वाली रिएक्शन में मार्कोनिक रूल लगा था, इसमें
एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है, जो कि आप लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पढ़ चुके हैं और इलेवंथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है बेटा जी, एक रिएक्शन है वो मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग मुझे उसका जो प्रोडक्ट है, उत्पाद बनेगा, उसका नाम बताएंगे कि उसके उत्पाद का क्या नाम होगा बेटा। ठीक है, तो ये है आपके पास सी, इसके अंदर डाल दिया मैंने B2H6 के साथ H2O2 और OH नेगेटिव के साथ। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या बनेगा और इसका नाम भी बताएंगे, IUPAC भी बताएंगे कि होगा क्या बेटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल उस पहले वाले से ये उल्टा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन। अब देखिए, कार्बोनाइल यौगिकों से, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड, यौगिक मतलब होता है आपका कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड से आपको बनाना है अल्कोहल। कार्बोनाइल आपका एल्डिहाइड और कीटोन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन होता है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल बनता है दोनों में से, किसमें क्या बनता है वो सुनिएगा। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड ये रहा, तो मैं बना देता हूं कि मेरे पास है इथेनल, ये वाला एल्डिहाइड है, इसका नाम है इथेनल, और इस पे मैं डाल देता हूं क्या, हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस के साथ H2 के साथ डाल देता हूं, निकल डाल देता हूं या प्लैटिनम डाल देता हूं, निकल, और यहां पे निकल आपका कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को तेज भगाता है। ठीक है, बस इसका काम एक ही है, वो रिएक्शन को तेज करेगा और कोई भी इसका और काम नहीं है। ठीक है बेटा, इसका और भी कोई काम नहीं है। तो क्या करेगा, ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जैसे मैं एक कीटोन बना देता हूं, ये है मेरे पास कीटोन, ये है। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड हो या कीटोन, तो क्या करेगा, ये और ये दोनों रिएक्शन में बस रिएक्शन को तेज भगाएंगे, अटैक कौन करेगा, H2। तो ये देखिएगा भाई कि यहां पे C डबल बॉन्ड O कहां है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में C के साथ एक जगह डबल बॉन्ड होता ही होता है, तो उसमें दो हाइड्रोजन कैसे लगेंगे, एक इस कार्बन पे लग जाएगा हाइड्रोजन और एक इस ऑक्सीजन पे लग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में बन जाता है, तो ये बन जाएगा आपका कैसे, CH3CH और ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा आपका प्राथमिक अल्कोहल। क्या बन जाएगा, प्राथमिक, जिसको हम 1 डिग्री बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड का जब आप क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो आपका बनता है क्या, प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन का करते हैं तो आपका द्वितीयक अल्कोहल बनता है। तो इसमें देखिए C के साथ डबल बॉन्ड कहां है, इसमें ये था, इसमें ये था, सेम 2H है, 1H यहां पे लगाइए, 1H यहां पे लगाइए, और डबल आबंध को एक आबंध में या फिर सिंगल बॉन्ड में बदल दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से बेटा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका द्वितीयक, क्या बन जाएगा, द्वितीयक। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, यहां पे आप इसकी जगह, इस पूरे की जगह पे दो चीजों को और यूज कर सकते हैं, मतलब इसके रिडक्शन में, ठीक है, सॉरी रिडक्शन है, ऑक्सीकरण नहीं है, रिडक्शन है ये। ठीक है, तो यहां पे जहां H ऐड होते हैं वो रिडक्शन होता है, तो तीन चीजों का यूज कर सकते हैं। पहला, आपके साथ निकल के साथ आप हाइड्रोजन डाल दीजिए, अगर ये आपके पास नहीं है, ये डाल दीजिए, ये नहीं है, तो यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, जो कि आपके पास है, ये रहा लिथियम LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये भी नहीं है तो आप डाल दीजिए NaBH4 डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, NaBH4। तीनों में काम एक ही होगा, मतलब इसकी जगह पे या इसकी जगह पे आप यही डाल दीजिए, तीनों में हाइड्रोजन भरे हुए हैं, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है, जो रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये तीसरी आपकी कार्बनिक यौगिक से रिएक्शन होगी। अब बढ़ते हैं आगे, अब है आपका कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक किसमें बनाएगा, कार्बोक्सिलिक से, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है, कार्बोक्सिलिक, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास है ये इथेनोइक एसिड है, इसमें डाल दिया मैंने आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर इसके अंदर NaBH4 भी डाल सकते हैं। एक चीज इसमें से महंगी होती है जो हम यूज नहीं करते, ठीक है, क्लियर। चलिए, जो लिथियम एल्युमिनियम है, ये वाली जो चीज है ये ज्यादा महंगी होती है, इसको हम कम यूज करते हैं, तो हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। बनेगा एक ही चीज है, इसमें क्या है, ये 2 कार्बन का एसिड है, तो ये 2 कार्बन का क्या बना देगा आपका एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल जो बन जाएगा इथेनॉल, क्या बन जाएगा, इथेनॉल, क्या बन जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना देगा आपका एल्कोहल, जो कि आपका बनाएगा प्राइमरी या प्राथमिक
अल्कोहल, जिसको हम 1 डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है सारे का सारा। प्राथमिक, देखिए प्राथमिक बना रहा है अल्कोहल को, उत्तम लाभी बनाता है। ठीक है, एक और बनाते हैं। सपोज मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड है, CH3CH2COOH, इसके अंदर डाल दिया मैंने आपका NaBH4, जो सस्ता है। महंगी वाली चीजें नहीं डालेंगे, क्योंकि दोनों में रिएक्शन एक ही होनी है, तो हम सस्ती वाली ही क्यों ना डालें बेटा। ठीक है, ओके। तो इसको ये सारी चीजें सेम रहने देगा, CH3CH2, बस ये जो है आपका इसको कन्वर्ट कर देगा ये CH2OH के अंदर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये इथेनॉल बन गया, ये प्रोपेनॉल बन गया। दोनों के दोनों, चाहे ये हो या फिर ये हो, ये प्राथमिक अल्कोहल ही है। क्या है? प्राथमिक अल्कोहल। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे वाले पे। अब ग्रिग्नार्ड से करते हैं हम। ग्रिग्नार्ड से तीनों तरीके के अल्कोहल को बनाया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड को तीनों तरीके के अल्कोहल से, अगर आप एक कार्बन का एल्डिहाइड लेते हैं, देखिए ध्यान से मैं क्या लिखाऊंगा, याद रखना बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगर आप एक कार्बन के एल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड को, ठीक है, तो आपको फिर हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पे जलीकरण करने के बाद आपका जो उत्पाद बनेगा वो आपका प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? प्राथमिक अल्कोहल। अगर आप दो या दो से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराते हैं तो, और उसके बाद उसका जलीकरण करते हैं, तो उसका जो उत्पाद बनेगा वो द्वितीयक अल्कोहल बनेगा। अगर आप किसी भी कीटोन को ग्रिग्नार्ड से अटैक कराते हैं तो आपका हाइड्रोलिसिस, मतलब जलीकरण के बाद आपका जो उत्पाद बनेगा वो टर्शियरी या फिर तृतीयक अल्कोहल बनेगा। तो इसके अंदर हम पहले एक कार्बन वाला एल्डिहाइड देखते हैं। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है आपका ये, इसके अंदर डाल दिया हमने CH3MgCl, CH3MgCl। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखिएगा जो एल्डिहाइड है एक कार्बन का, तो O जो है इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड बचेगा, दो आबंध में एक आबंध, और ये है आपका ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड इसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये आपका धातु है, धातु मतलब मेटल, मेटल पे हमेशा चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव को, इस वाले नेगेटिव को उल्टा चार्ज पे लगा दीजिए। देखिए ये वाला नेगेटिव किस पे लगेगा? इस पे। ये वाला नेगेटिव किस पे लगेगा? इस पे। तो ये बन जाएगा आपका HCO नेगेटिव Mg के साथ Cl, और ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये H बन गया, और यहां पे लग गया आपका CH3। फिर यहां पे आप जलीकरण करेंगे, जब जलीकरण करेंगे तो ये वाली चीज यहां से हट जाएगी और इस O के साथ, O नेगेटिव के साथ H लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, जो कि एक तरीके का प्राथमिक अल्कोहल होगा, जो कि एक तरीके का इसमें प्राथमिक या प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही जैसे मैंने बोला, एक कार्बन के एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से जब आप अटैक कराएंगे तो आपका जो बनेगा उसमें आप जलीकरण हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपका प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। लेकिन दो या दो से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड पे जब आप ग्रिग्नार्ड को अटैक कराएंगे फिर उसका जलीकरण करेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल बनेगा। जैसे मैं इथेनॉल ले लेता हूं, इथेनॉल दो कार्बन का, 3, 4, 5, 10 कितने का भी आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, बस इस वाले एल्डिहाइड को छोड़ के। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड लगा देते हैं CH3Mg के साथ Cl, इसमें ये टूट जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इस पे अटैक कराइए बेटा, क्या कराइए? इस पे अटैक कराइए। देखिए नेगेटिव को पॉजिटिव, उल्टे चार्ज जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे आएगा, तो ये वाला आपका नेगेटिव है कहां जाएगा? इस पे। ये वाला नेगेटिव है कहां जाएगा? इस पे। तो ये बन जाएगा आपका CH3 के साथ CH, ये बन जाएगा CH3O नेगेटिव Mg के साथ Cl पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका फिर H2O के साथ H+। अब यहां पे क्या होगा, ये जलीकरण करेंगे तो इसका जो H+ है वो O के साथ लग जाएगा और ये बाकी सारा वेस्ट में गंदा चीज निकल जाएगा। ठीक है बेटा, जो बाकी चीज गंदी दोनों में से निकलेगी, इसमें भी वही निकलेगा प्लस में, और इसमें भी क्या निकलेगा? वो निकलेगा Mg के साथ Cl और एक OH। ये गंदा उत्पाद होता है, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट होता है गंदा, जिसका आप किसी भी अभिक्रिया में कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें भी यही बनेगा, ये चीज यहां भी बनती है बेटा, इस वाली में, पहले वाले रिएक्शन में। ठीक है, तो अभी हमने प्राइमरी, ये आपका 1 डिग्री हो गया है और ये आपका 2 डिग्री बन गया है। अब 3 डिग्री बनाते हैं, वो किसी भी कीटोन से बनता है, किसी भी कीटोन से बनता है। चलिए देखते हैं बेटा आगे क्या बनाते हैं। कोई भी कीटोन, सबसे अच्छा कीटोन होता है
आप नेल पेंट लगाते हैं, लड़कियां औरतें लगाती हैं, तो उसको हटाने के लिए एक केमिकल का यूज होता है, उसे कहते हैं थिनर, उसी को एसीटोन या प्रोपेनोन भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका यूज करते हैं, देखिए ये हमारे पास 3 कार्बन का एक कीटोन है जिसको प्रोपेनोन भी कहते हैं हम, एसीटोन थिनर भी कहते हैं। इसमें ग्रिगनार्ड लगा देते हैं, ग्रिगनार्ड CH3 के साथ Mg के साथ Cl, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब इसके अंदर ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब उल्टी दिशा में इसके चार्ज लगा दीजिए, ये पॉजिटिव है तो ये यहां पे अटैक करेगा, ये कहां अटैक करेगा इस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CH3 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 O- Mg के साथ Cl फिर पॉजिटिव, ये बन जाएगा। फिर इसका जब आप जलीकरण करेंगे H2O के साथ H+ डालेंगे तो ये जो O के O नेगेटिव के साथ जाके H+ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका त्रित्रिक अल्कोहल, ठीक है बेटा। 3 डिग्री बन गया, क्या बन गया 3 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी किस किस तरीके से हम अल्कोहल को बना सकते थे, सारी की सारी रिएक्शन है, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं, अब रासायनिक अभिक्रिया अल्कोहल की, अल्कोहल की रिएक्शन किस किस तरीके से होती है, ठीक है। ओके चलिए, ये है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आप समझ लीजिए कि अल्कोहल में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अल्कोहल में क्या क्या चीजें है, एक अल्कोहल को लेकर चलते हैं, अल्कोहल ये होता है, अल्कोहल को तोड़ दे, अल्कोहल जो होता है वो कड़वा होता है और कड़वी चीजें छार होती है, छार मतलब बेस होती है। तो अल्कोहल ये मिथेनॉल है, इसको तोड़ेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव जो चीज है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम बोलते हैं और नाभिक रागी, क्या बोलते हैं नाभिक रागी। और जो बाकी का है ये H+ या फिर इसके अंदर जो CH3+ या फिर इसके अंदर जो H+ होंगे वो आपके हो जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा, और ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी जो कि आपके बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी, ठीक है। रिएक्शंस को बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा बेटा, और ऊपर वाली चीजों को भी लिख लीजिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सारी चीजें ऊपर लिखी हुई है, क्लियर बेटा। चलिए, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं और आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली आपकी जो रिएक्शन है बेटा, पहली जो आपकी रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से है। अल्कोहल 3 तरीके के हैं, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला अल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है? तो इसको करने के लिए एक टेस्ट है, ठीक है, एक टेस्ट का यूज किया जाता है। जैसे आपको कहते हैं कि टाइफॉइड है, कोई परेशानी है बॉडी के अंदर, तो उसका टेस्ट किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आया तो वो बीमारी है, नहीं आया तो वो बीमारी नहीं है। इसी तरीके से अल्कोहल का भी यहाँ पे टेस्ट है, जो टेस्ट का नाम यूज किया जाता है और वो प्यारा सा है आपका लुकास, लुकास परीक्षण, ठीक है, लुकास परीक्षण, जिसको हम लुकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आपका रिएजेंट यूज होता है वो ये होता है संद SCL, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड SCL और जिंक क्लोराइड के नाम से। ये एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है, बस रिएक्शन को तेज भगाएगा और कोई भी काम नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपका उत्पाद में जो दिखेगा वो धुंधलापन दिखता है, धुंधलापन, जैसे ठंडियों के मौसम में क्या हो जाता है, ठंडियों के मौसम में ऐसा समझ लीजिए कि धूप पड़ती है, ओस पड़ती है, तो धुंधला धुंधला दिखता है, उस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में दिखेगा, ठीक है, उत्पाद में। तो देखिए, पहले हम प्राइमरी अल्कोहल को लेके चलते हैं, 1 डिग्री के अल्कोहल को, ठीक है। तो ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये लेते हैं इसको CH3 CH2 और ये OH हो गया। इसके अंदर डालेंगे हम संद्र SCL, ठीक है, साथ में जिंक का क्लोराइड, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव, चार्जेस को उल्टा लगा दीजिए। OH जो है वो H+ के साथ पानी की तरह भाग जाएगा और जो आपका Cl है वो CH2 के साथ लग जाएगा, और इसके अंदर आपका कोई भी धुंधलापन नहीं आता। क्या धुंधलापन? ये धुंधलापन नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, ठीक है, नहीं आता,
नो धुंधलापन, इसके अंदर धुंधलापन नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे, तो इसके अंदर प्रोडक्ट उत्पाद यही रहेगा लेकिन इसके अंदर धुंधलापन आ जाएगा। फिर याद रखिए प्राइमरी में धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाएगा याद रखिएगा, रिएक्शन में नहीं आएगा लेकिन जब आप इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर धुंधलापन आता ही आता है, ठीक है प्राइमरी में, लेकिन ठीक है प्राइमरी में। दूसरा, जैसे ही आप सेकेंडरी और टर्शरी पे बढ़ेंगे बेटा, सेकेंडरी और टर्शरी पे बढ़ेंगे मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री के अल्कोहल पे बढ़ेंगे, 2 डिग्री का भी लिख देता हूं यहां पे सीधा, ये हो गया आपका 2 डिग्री का और ये हो गया आपका 3 डिग्री का, HCl कॉन्सेंट्रेटेड या सांद्र, ठीक है, और जिंक क्लोराइड के साथ, इसमें भी ऐसे ही होगा HCl आपका हो गया, ठीक है ये आपका वाटर निकल गया। अब इसमें जो आपका उत्पाद बना है इसमें धुंधलापन आएगा 5 मिनट बाद, ठीक है 5 मिनट बाद इसमें धुंधलापन आता है और इसमें एकदम धुंधलापन आ जाएगा, धुंधलापन जैसे ही डालेंगे ना इसके अंदर जो बनेगा ये एकदम ही धुंधलापन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं लुकास का परीक्षण कि भाई लुकास में प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में किस किस तरीके से चीजें बन रही हैं, ठीक है बेटा, और किस किस तरीके से ऑब्जर्वेशन आ रहा है, क्लियर है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को पहचानने के लिए हम लुकास का परीक्षण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा, आगे देखिए ये रिएक्शन है आपका डिहाइड्रेशन, किसी भी चीज से पानी को निकाल देना, निर्जलन, ठीक है पानी निकाल देना। तो कोई भी अगर आपके पास अल्कोहल है, देखिए अगर आपके पास सपोज हम कहते हैं कि CH2OH है, ये इथेनॉल ले लेते हैं हम, ठीक है ये इथेनॉल है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इथेनॉल है। तो जिस कार्बन पे आपका OH लगा होता है वो अल्फा होता है, उसके बगल वाला कहलाता है बीटा का कार्बन, ठीक है। इसके अंदर अगर हम डालते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बहुत अच्छा खासा इसका तापमान रखते हैं, तापमान रखेंगे कम से कम हम इसका 443 केल्विन, ये लिखा होगा 443 केल्विन, यहां पे ये रहा 443 केल्विन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिस कार्बन पे OH होगा वो OH नेगेटिव निकल जाएगा तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, और उसके बगल वाले बीटा कार्बन से आपका निकल जाता है पॉजिटिव और यहां आ जाएगा नेगेटिव, और ये क्या निकल जाएगा आपका पानी, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको निर्जलन। क्या बोल रहे हैं, निर्जलन, वाटर निकल गया इसके अंदर, ठीक है वाटर निकल गया। अब CH2 और CH2 के बीच में एक बॉन्ड है और यहां पॉजिटिव है नेगेटिव, तो एक और बॉन्ड आ जाएगा, अबंध आ जाएगा इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा आपका एल्कीन और नाम है इसका इथीन, ठीक है बेटा। एक और देखते हैं, चलिए ये आपके पास CH3CH CH2OH है, इसका नाम है प्रोपेनॉल। तो जिस पे OH है वो अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा होता है, लेकिन हमें इसका कोई यूज नहीं करना, इसमें हमें अल्फा से निकालना है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, बगल वाले से पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपका निकल गया वाटर और इसमें यूज होने वाली चीजें हैं ये वाली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल और जो टेम्परेचर होगा 443 केल्विन, ठीक है बेटा। चलिए तो बन जाएगा ये आपका वाटर निकल गया, ये H+ और ये OH के रूप में ये पानी निकल गया आपका, और इन दोनों के बीच में डबल आबंध आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका प्रोपीन। क्या हो गया बेटा, प्रोपीन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरी अभिक्रिया पे जिसका नाम है एस्टरीकरण, ये आप 10वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। एस्टरीकरण क्या होता है, एस्टरीफिकेशन इसका दूसरा नाम है। जब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ मिलाया जाए और एक H+ का कैटलिस्ट डाला जाए तो आपका एस्टर बन जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक अम्ल है, इसके अंदर मैंने डाल दिया एक अल्कोहल, ये है अल्कोहल इथेनॉल, और ये रिएक्शन आगे पीछे इक्विलिब्रियम में होती है H+ डाल के, ठीक है। तो एसिड जो होता है, अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और खट्टी चीजें हमेशा H+ को भगाती हैं, निकालती हैं, और जो अल्कोहल होता है वो आपका बेस होता है, क्षार होता है एक तरीके का, तो वो OH निकालता है, ठीक है। तो इसका OH और इसका H+ क्या निकल जाता है, पानी के तरीके से बाहर निकल जाता है, और ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव से जुड़ जाता है तो वो बन जाता है आपका एस्टर। क्या बन जाता है आपका एस्टर, क्या बन जाता है आपका एस्टर, ये बन जाता है आपका एस्टर। इसी पूरी अभिक्रिया को बोलते हैं हम क्या, एस्टरीकरण, ठीक है एस्टरीकरण, ठीक है बेटा, ये है आपका एस्टरीकरण।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं चौथे वाले पे। देखिए अब है ऑक्सीकरण आपका, अब यहां पे आपके ऑक्सीकरण आ गए रिएक्शंस। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण आपके दो तरीके से है, ध्यान से देखिएगा बेटा, और ये लास्ट रिएक्शन है, थोड़ी बड़ी है, ध्यान से देखिएगा। दो तरीके से आप ऑक्सीकरण कर सकते हैं, एक आपका बहुत तेज ऑक्सीकरण होता है, एक होता है धीमा ऑक्सीकरण। ठीक है, तेज वाले को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कहते हैं और आपका जो धीमा होता है उसे माइल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं जो तेज ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, उनकी रिएक्शन। तो उनमें जो आपके रिएजेंट्स यूज होते हैं वो होता है एक KMnO4 तेज वाले में, ठीक है, तेज वाले में, और K2Cr2O7, ये करें हैं तेज, तेज ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं, तेज ऑक्सीकरण। और जो धीमा करते हैं, जो स्लो करते हैं, स्लो मतलब धीमा करते हैं, उसमें यूज होता है आपका CrO3 PCC, इसे कहते हैं पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, क्या कहते हैं, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, और कॉपर के साथ 573 कैल्विन डाल दिया जाता है तब। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये तेज करते हैं, ये स्लो करते हैं, धीमा करते हैं, मंदा करते हैं, ठीक है ना, ये वाले। अब कौन सा कैसे करता है उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चलिए आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। पहले हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं, एक मिनट बेटा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन को, ठीक है, तो आपके पास अगर कोई भी प्राथमिक अल्कोहल है, जैसे प्राथमिक अल्कोहल है आपके पास कोई भी, एक डिग्री का अल्कोहल है, एक डिग्री का, जैसे ये हो गया आपका CH3 अल्कोहल है, इथेनॉल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला है जिसमें तेज ऑक्सीडेशन होगा, स्ट्रॉन्ग, तो इसके अंदर डाल देंगे आप KMnO4, तो आपका बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन का आपका अल्कोहल है उतनी कार्बन का आपका एसिड बन जाएगा, दो कार्बन का अल्कोहल है तो दो कार्बन का एसिड होता है आपका इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल, ये बन जाता है, ठीक है, प्राइमरी में। और अगर सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी में जैसे आपके पास सेकेंडरी है CH3CH, ये CH3 हो गया और यहां पे OH हो गया, तो क्या करेगा, इसमें KMnO4 डालेंगे इसके अंदर, तो आपका बना देगा क्या, कार्बोक्सिलिक नहीं, कीटोन बना देगा, तो एक एच इससे निकल जाएगा, एक एच इससे निकल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। और अगर आपके पास 3 डिग्री का अल्कोहल हुआ, 3 डिग्री का, तो उसमें ना कार्बोक्सिलिक बनाएगा ना कीटोन बनाएगा, उसमें सीधा निर्जलीकरण हो जाएगा और उसमें से वाटर निकल जाता है, पानी निकल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका CH3CHOH ये CH3 और ये CH3, इसमें डाल दिया हमने KMnO4, तो यही होगा इसके अंदर कि ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा और ये बीटा, तो अल्फा से नेगेटिव निकल जाएगा और इन तीनों में से किसी से भी H निकाल दूं, सपोज मैं मान लीजिए मैं इससे H निकालता हूं, इसका H प्लस और इसका OH, पानी निकल गया और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड या डबल आबंध आ जाएगा, तो टर्शरी में त्रित्रिक में आपका बन जाता है क्या, क्या बन जाएगा बेटा, एल्कीन, क्या बन जाएगा, एल्कीन, और ये पानी निकल जाएगा। ये कौन से वाले हैं, स्ट्रॉन्ग वाले, कौन से, स्ट्रॉन्ग, इसकी जगह पे आप K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं जिसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या नाम होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये तेज ऑक्सीडेशन था, आप इसका मंदा वाला पढ़ते हैं जिसमें स्लो ऑक्सीडेशन होगा, इसमें बस एक ही चीज का चेंज है और बाकी दोनों सेम है। इसमें हम यूज करेंगे CrO3 या फिर PCC या फिर कॉपर के साथ 573 कैल्विन, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये CH3CH2OH हो गया, 2 डिग्री में देखिए CH3CHOH हो गया और ये CH3 हो गया, टर्शरी वाले में देखिए CH3CCH3OH और ये हो गया आपका CH3, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इसके अंदर तीनों में से कुछ भी डाल दीजिए, ये तीनों में अलग अलग डाल देते हैं, काम एक ही करेगा, काम वो एक ही करेगा। इसके अंदर डाल देते हैं PCC, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट नाम होता है इसका रिएजेंट का, और ये है CrO3, इसे कहते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और ये कॉपर के साथ, कॉपर के साथ 573 कैल्विन होता है, ठीक है। तो होगा क्या, इसके अंदर
उसके जो तेज ऑक्सीडेशन था उसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनता था, इसमें दो कार्बन का अल्कोहल है तो दो कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, ये बन जाएगा इथेनल। इसमें सेम कीटोन बनेगा, एक एच यहां से हटेगा, एक एच यहां से, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा इसके अंदर। और नीचे वाले में बिल्कुल सेम अभिक्रिया होगी जो आपका निर्जलन कर रहा था, डिहाइड्रेशन पानी निकाल रहा था, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा और ये बीटा, ठीक है। तो यहां से OH और इस तीनों में से किसी से भी H निकाल दीजिए जो आपका बन जाएगा, उसका आप IUPAC नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका अल्कोहल पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, राम राम।